तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इसमें तुम देखोगे तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये वेव इज ट्रेवलिंग डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द वेव। अगर तुम देखोगे कि एक वेव ट्रेवल हो रही है, एक्स कॉमा टी इसका इक्वेशन है, और ये 0.05 साइन 8x-4t इसका, इस वेव का इक्वेशन है। तो इसको जब कंपेयर, देखो अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी मतलब यहाँ कुल मिला के वेलोसिटी मतलब यहाँ स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो अगर स्पीड निकालने का एक पावरफुल ट्रिक है तो कोफिशियंट ऑफ टी, तो कोफिशियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स, सिंपली एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा। इस ट्रिक्स का यूज करके तुम एक लाइन में ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो कोफिशियंट ऑफ टी -4 और कोफिशियंट ऑफ 8x, तो यहाँ से तुम काट दोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा मतलब ये आ जाएगा -0. यहाँ तुम देखोगे -0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। माइनस का मतलब होता है कि ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, माइनस, इट्स माइनस इंडिकेट दैट वेव इज ट्रेवलिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 0.5। तो यहाँ से तुम देखोगे तो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाता है, ठीक है, ये वाला, बाकी सारे गलत है। अगर आप ऐसे इस ट्रिक का यूज नहीं करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि वेव की स्पीड निकालने के लिए आपको वेव की फ्रीक्वेंसी सेकेंड मेथड अगर यूज करोगे, ये आइडिया आप नहीं जानते हो तो आपको मुसीबत में फंसोगे, क्योंकि वेव की स्पीड निकालेंगे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। बात आ रहा समझ में? तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकालोगे, लैम्डा कहाँ से निकालोगे, तो इस इक्वेशन को तुम वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर कर दो। तो यहाँ से ओमेगा, ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4। इसका मतलब एक बार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 4/2π, ठीक है ना। और अगर लैम्डा देखोगे तो के, के की वैल्यू होती है 2π λ। तो यहाँ से तुम देखोगे के की वैल्यू कंपेयर करो तो के की वैल्यू 8 दिया हुआ है, इसको के एक्स को 8x से कंपेयर करोगे तो ये, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2π/8। तो ये अपना लैम्डा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वेव की स्पीड जो है वो आ जाएगी 2π λ, 2π/8 और मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4π/2π, तो 2π/2 और ये आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है। तो ये जो ट्रिक है वो याद रखो, और जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ या कराऊँगा वो इससे स्पीड आप एक लाइन में निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।